दिल्ली विधानसभा चुनाव में केजरीवाल ने बम्पर जीत हासिल की है। इस जीत के बाद ऐसी अटकलें लगाई जा रही हैं कि अब वे पंजाब में भी इसी दमखम से चुनाव लड़ेंगे। केजरीवाल की इस जीत में प्रशांत किशोर की भूमिका को लेकर फिर से चर्चाएं शुरू हो गई हैं। ऐसी अटकलें लगाई जा रही हैं कि इस जीत से उत्साहित अरविंद केजरीवाल एक बार फिर राष्ट्रीय राजनीति की ओर रुख कर सकते हैं। वैसे भी एक वक्त ये कहा जाता था कि पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार ही बनेगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इसकी कई वजहें भी गिनाई गई, लेकिन अब केजरीवाल की ओर से प्रशांत किशोर को पंजाब की जिम्मेवारी देने की चर्चा है। बताया जाता है कि दिल्ली में प्रशांत किशोर के काम से अरविंद केजरीवाल खासे प्रभावित हुए और वो पीके के साथ पंजाब के लिए रणनीति बनाने पर काम कर रहे हैं। बता दें, पंजाब में कैप्टन सरकार बनवाने का श्रेय प्रशांत किशोर को ही जाता है। इस पूरे मामले पर न्यूज 24 के संवाददाता की कांग्रेस के प्रवक्ता के साथ बातचीत ऐसी रही। इस समय हमारे साथ पंजाब कांग्रेस के प्रवक्ता डॉक्टर राजकुमार वीरका हैं। वीरका साहब, 14 है पंजाब की जगह अब बदलने लगे हैं लोगों के सोच, 14 है पंजाब आपकी सरकार। पहली बात तो यह है कि हमेशा के लिए चाहता है पंजाब कैप्टन दी सरकार, ये सच है। लेकिन यहाँ तक सवाल प्रशांत किशोर जी का है, वो प्रोफेशनल इंसान है, उनकी अपनी एक कंपनी है, उनके थ्रू काम करते हैं और जो भी को हायर करेगा, जो उनके साथ बात करेगा, उनके साथ वो जाएंगे। अभी हमारे साथ उनकी कोई बात हुई नहीं है। और यहाँ तक सवाल इस बात का है कि हमें कोई चैलेंज है, हमें किसी से कोई चैलेंज नहीं है और आम आदमी पार्टी से जीरो चैलेंज है हमें। क्योंकि अभी थोड़े दिन पहले अगर आम आदमी पार्टी का असर होता, भैया बाउंड्री पर तो हरियाणा है, तो हरियाणा में जितने इलेक्शन लड़े उनकी जमानतें तो जब्त हो गई थी, और बाई इलेक्शन यहाँ भी लड़े हैं उनकी जमानतें जब्त हो गई थी, और पहले इनके 4 MP हुआ करते थे वो 3 की जमानतें जब्त हो गई, और कोई भी नहीं है 12 की जमानतें जब्त हो गई, MLA जितने लड़े उनकी जमानतें जब्त हो गई। तो मुझे लगता है कि जमानत जब्त पार्टी हमारा मुकाबला नहीं कर सकती। लेकिन जिस तरह से दिल्ली में बड़ी विक्ट्री हासिल की है अरविंद केजरीवाल और उनकी टीम ने, तो पंजाब में लग रहा है कि जिस तरह से एकदम ही लोगों के बीच में करंट आ गया और फिर वही बातें होने लगी आम आदमी पार्टी की, जगह जगह चर्चाएं शुरू हो गई है। ये तो कहते हैं दिल को बहलाने को गालिब, यह ख्याल अच्छा है। वो तो उनके अंदर अपने ही सबज बाग बन रहे हैं या उनके दिल में खुद ही लड्डू फूट रहे हैं, तो फूट रहे हैं, तो हमें क्या लेना देना। मैंने आपको ये कहा कि दिल्ली का इलेक्शन चुनाव जो था वो डेमोक्रेसी को बचाने का चुनाव था, लोकतंत्र को बचाने का चुनाव था वो, और वो देशद्रोही ताकतें जो देश को बांटना चाह रही थी, देश को तोड़ना चाह रहे थे अमित शाह और मोदी जी, ये उनके खिलाफ फतवा है। और मैंने आपको कहा कि दिल्ली के बाद तो उनकी सभी, भैया आपने पार्लियामेंट में आम आदमी पार्टी ने जो इलेक्शन लड़े हैं वो 547 सीटों पे लड़े थे, वो सभी जगह जमानतें जब्त हुई है, और उसके बाद अभी 4-6 महीने बाद जितने इलेक्शन हुए हैं, चाहे पंजाब में हुए, हरियाणा में हुए या दूसरी जगह पे हुए, सभी जगह जमानतें जब्त हुई, तो अब क्या नया काम होगा। ये तो नहीं भी दिल्ली का खामियाजा कांग्रेस को पंजाब में भुगतना पड़ेगा। नहीं नहीं, हमें किसी का खामियाजा नहीं भुगतना पड़ेगा, पंजाब के लोग शानदार जीत दिलाएंगे और कैप्टन अमरिंदर सिंह की अगुवाई में 2022 का भी इलेक्शन हम जीतेंगे। क्योंकि आप ही के पार्टी के नेता कह रहे हैं कि दिल्ली में कांग्रेस ने बिल्कुल ही आम आदमी पार्टी के घुटने टेक दिए और एक विक्ट्री की जगह बना दी। देखिए, मैंने आपको कहा हमने उनकी विक्ट्री की जगह नहीं बनाई, हमने मोदी साहब के लिए खड्डा खोदा है, हमने उनको गिराया है कई खड्डे में। पंजाब कांग्रेस ना, पंजाब कहाँ से गिरेगा, पंजाब तो अरे यहाँ तो गिरने वाले तो गिरे हुए हैं पहले से ही, तो जो खुद ही खड्डे में गिरे हैं, आम आदमी पार्टी खड्डे में, अकाली दल खड्डे में, बीजेपी खड्डे में, आपके MLA भी खड्डे में। नहीं, हमारे कोई MLA खड्डे में नहीं, हमारे MLA और हमारे मुख्यमंत्री की अगुवाई में पंजाब सेफ हाथों में। लेकिन जगह जगह जो MLA हैं असंतुष्ट हैं सरकार की कार्यप्रणाली को लेकर, सवाल खड़े कर रहे हैं कि यदि हमने अच्छे काम नहीं किए तो अंजाम बड़ा माड़ा हो सकता है। वो माड़ा काम करेंगे नहीं, हम तो अच्छे काम कर रहे हैं तो अंजाम भी अच्छा होगा। तो लग रहा है कि 2022 में असली टक्कर दे पाएगी, क्योंकि तिकोनिया लड़ाई होगी। अरे कहाँ तिकोनिया लड़ाई, वो तिकोनिया 3 लोग इकट्ठे होंगे, तिकोनी होंगे एक बंदा, ये तीनों मिलके भी हमारा मुकाबला नहीं कर सकते। लेकिन वो कहते हैं भी आम आदमी पार्टी को हराने के लिए 3 इकट्ठे हो गए। अरे मैंने आपको क्या कहा कि आम आदमी पार्टी यहाँ पे वो उनका कोई भाव नहीं है, ना अकाली दल का भाव है, और उनका कुछ यहाँ
मिलने वाला नहीं है, कोई भाव नहीं। आम आदमी पार्टी के नेता कह रहे हैं कि अकाली दल, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने इकट्ठे होकर हमें हरा दिया, हमारी बेब बनी हुई थी, लेकिन वही बेब अब तीनों के छक्के छुड़ा देगी। अरे वो तो कह रहे हैं कि ये सारे मिले हुए, केजरीवाल साहब तो कहते पंजाब की जनता भी कांग्रेस के साथ मिली हुई है, हम क्या करें, पंजाब की जनता भी मेरे खिलाफ मूड बना रही है, पंजाब की जनता ने भी मेरे खिलाफ साजिश की है। तो अब जनता ने साजिश की है तो केजरीवाल साहब को अपने अंदर झांकी मार के देखनी चाहिए। तो असल में किस तरह का चुनाव होगा, अरविंद केजरीवाल वर्सेज कैप्टन अमरिंदर सिंह वर्सेज सुखबीर बादल होगा? नहीं नहीं नहीं, हमारे ऊपर कोई चैलेंज नहीं है, और केजरीवाल की, सुखबीर बादल की, ये सभी की जमानतें जब्त होगी और कांग्रेस पार्टी चारों खाने चित करेगी और शानदार जीत हासिल। चित तो नहीं हो जाएगी, अरे शानदार जीत हासिल करेगी। 2017 के पंजाब विधानसभा चुनाव में कैप्टन अमरिंदर सिंह का पूरा चुनावी कैंपेन पीके ने ही संभाला था और चाहंदा है पंजाब, कैप्टन दी सरकार का नारा दिया था। ऐसे में अगर 2022 में होने वाले पंजाब विधानसभा चुनाव में वो कांग्रेस की बजाय आम आदमी पार्टी के साथ खड़े होंगे तो उनको कांग्रेस के शासनकाल का भी जवाब देना होगा। इस पर अकाली दल के नेता दलजीत सिंह चीमा कहते हैं, कोई भी पार्टी इलेक्शन लड़े, कैसे अपना एजेंडा लोगों को तक लेके जाए, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर प्रशांत कुमार आना चाहते हैं तो वो आ जाएं, हमें आसान होगा बताने में कि कैप्टन साहब को गुटखा साहब फड़ाने वाले यही थे, तो अब ये केजरीवाल साहब के साथ आ गया, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ये जितना पंजाब का बेड़ा गर्क अभी हुआ है, कैप्टन अमरिंदर सिंह ने जो किया है उसके पीछे भी वही प्रशांत कुमार था, तो इसलिए पार्टी मैटर करती है, पीछे कौन पार्टी को चला रहा है, कौन मैनेज कर रहा है, यही तो हकीकत है कि यहाँ पार्टियाँ लोग खुद नहीं चला रहे, पीछे से मैनेज हो रही है कि किस तरीके से माहौल बना के ऐसे झूठ बोल के काम करके लोगों को जो है वोट बटोरे जा रहे हैं। तो जैसे बाकी चीज़ें लोगों को समझ आ रही हैं, ये चीज़ें भी लोगों को समझ आ रही हैं कि वही पार्टी मैनेजर हैं। पहले उनको बोलते थे कि चाहिए पंजाब को कैप्टन की सरकार, अब दूसरी बोलेंगे तो हम बताएंगे कि वही आदमी है कि जो पहले उधर आया था अब इधर आया, आप बच जाओ और क्या। वहीं इस पूरे मुद्दे पर आप नेता का कहना है, ये अरविंद केजरीवाल जी ने बेमिसाल डेवलपमेंट के काम दिल्ली में ऐसे कर दिए जो के लोगों के सिर चढ़ के बोल रहे थे, लोगों ने उनके डेवलपमेंट एजेंडा को एक्सेप्ट किया है, नंबर वन। नंबर टू, प्रशांत किशोर जी भी क्योंकि पॉलिटिकल इलेक्शन के स्ट्रेटजिस्ट हैं, वो बड़ा अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है, मैं समझता हूँ कि एक और एक 11 साबित हुए हैं और दिल्ली में एक रिकॉर्ड तोड़ जीत जो अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में उनके कामों को मिली है, नंबर वन। नंबर टू, जहाँ तक आप पंजाब की बात कर रहे हो, देखिए मैं इसके लिए कॉम्पिटेंट अथॉरिटी नहीं हूँ क्योंकि ये फैसला जो है वो अरविंद केजरीवाल जी के और पीएसी के लेवल पे होना है कि वो 2022 में पंजाब के लिए इन्वॉल्व होते हैं या नहीं होते, ये आप मेरी लीडरशिप से पूछिए, नंबर वन। और नंबर टू, अगर प्रशांत किशोर जी यहाँ पे आते हैं, हम चाहेंगे कि वो आएँ क्योंकि अगर वो आते हैं तो वो आके एटलीस्ट पंजाब के लोगों को ये बता सके कि किस तरीके से 2017 में उन्होंने जो वादे कैप्टन अमरिंदर सिंह ने किए थे, किस तरीके से कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सिर्फ और सिर्फ पंजाब के लोगों के साथ धोखा नहीं किया, प्रशांत किशोर के साथ भी धोखा किया क्योंकि वो उनके इलेक्शन स्ट्रेटजिस्ट थे। और अगर कैप्टन साहब 5 साल में अपने सारे वादों से मुकर गए तो ये उस प्रशांत किशोर जी के साथ भी एक बहुत बड़ा धोखा है क्योंकि उनके से जो वादे करवाए गए थे वो भी पूरे कैप्टन साहब नहीं कर रहे।